नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर हमारी जो डिस्कशन है वो है फिनलैंड की जो अपडेशंस हैं फंड्स के ऊपर, क्योंकि फिनलैंड जो एम्बेसी है या इंटर फिनलैंड है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट नोवाडेज टूवर्ड्स द फंड्स। तो अभी फंड्स को मैं ब्रीफली इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। जिन बच्चों के एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है इंटर फिनलैंड ने और फंड्स की जस्टिफिकेशंस मांगी हुई हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो बच्चे हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। उनको हम प्रॉपर सिस्टम से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने उन ईमेल्स का क्या रिप्लाई करना है, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस साथ में लगाने हैं और कैसे उनको अपलोड करना है इंटर फिनलैंड की वेबसाइट के ऊपर। तो जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अगर फिनलैंड जो इंटर फिनलैंड है, दे आर सेइंग कि हमें 3 मंथ पुराने फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अभी 3 मंथ पुराने फंड्स भी है तो वो अभी आए कहाँ से, उसकी भी जस्टिफिकेशन मांगनी स्टार्ट कर दी हैं। दे आर सेइंग कि आप अपने स्पॉन्सर की भी साथ में बैंक स्टेटमेंट भेजें। स्पॉन्सर आपके पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो आपका दादा दादी हैं, उनकी स्टेटमेंट दे आर चेकिंग कि कहाँ से ये फंड जनरेट हुए हैं। ये नहीं है कि अभी 3 महीने के पुराने फंड हो चुके हैं तो अभी आप इंटर फिनलैंड में अपनी एप्लीकेशंस लगा देंगे, लगाने के बाद आपका इमीडिएटली वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो बहुत सारे केसेस के ऊपर इंटर फिनलैंड ने बहुत सारे स्टूडेंट से एडिशनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है। तो मैं इस वीडियो के अंदर फिर बता दूँ, इंटर फिनलैंड दे आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स दैट स्टूडेंट जो गलत डॉक्यूमेंट लगाकर अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करते हैं, गलत फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगाकर अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करते हैं। तो उनके लिए दिस इज़ द वार्निंग कि वो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर और कंपिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू अपने जो रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करें। तो ऐसा है कि अगर आपने फिनलैंड में जाना है, फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, नंबर ऑफ़ सक्सेस स्टोरीज़ हैं, 2 प्लेलिस्टें हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। अगर आपने फिनलैंड में जाना है उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं, उसके बाद आप किसी भी कंसल्टेंट की सर्विस ले सकते हैं, क्योंकि आपको 90% नॉलेज हो जाएगा तो आपसे कोई भी पर्सन चीट नहीं कर पाएगा और आपको कंसल्टेंट से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी अगर वो इन वीडियोस को वॉच करने के बाद आप फर्दर किसी भी कंसल्टेंट की सर्विस लेते हैं। तो वी आर वेरी टेक्निकल अबाउट द फंड्स मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा, वी आर गिविंग द प्रॉपर गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स बिफोर टेकिंग द केस, सारे के सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। तो वहाँ की जो सिस्टम है, कहाँ का स्टूडेंट TRP का रेजिडेंसी परमिट का, स्पाउस भी साथ में जा सकता है, बच्चे भी साथ में जा सकते हैं। सबसे पहले फंड्स के ऊपर आते हैं, फंड्स कितने दिखाने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स को जो फंड्स हैं एक साल के 6720 यूरो, तो आज की डेट में 1 यूरो की जो कॉस्ट है 90 रुपये की है, तो अप्रोक्स आपको 6,10,000 रुपया स्टूडेंट को दिखाना पड़ता है अपने पर्सनल बैंक स्टेटमेंट के अंदर। और अगर उस स्टूडेंट ने एक साल की फ़ीस भेजी है तो स्टूडेंट की फ़ीस एग्जांपल है 10 लाख की साल की आई है, तो स्टूडेंट ने 10 लाख की फ़ीस की भेजने की बजाय सिर्फ 6 महीने की फ़ीस भेजी है 5 लाख रुपया, तो 5 लाख का फीस भेजने के बाद स्टूडेंट को 6,10,000 रुपया अपने लिविंग एक्सपेंसेस प्लस जो बची हुई 6 महीने की फीस है 5 लाख रुपया, वो अपने अकाउंट में यहाँ पर 3 मंथ ओल्ड दिखाना पड़ता है, साथ में सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अप्रोक्स आपको 11 लाख रुपया दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट को अपने पर्सनल अकाउंट के अंदर। अभी क्वेश्चन आता है कि मैंने अपनी स्पाउस को साथ में ले जाना है, तो स्पाउस के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो 8,400 यूरो है, 8,400 यूरो है, 1 यूरो का 90 रुपये इसकी कॉस्ट है, तो स्पाउस को 7.5 लाख रुपया दिखाना पड़ता है जब उसने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट को बता दिया 6,10,000 रुपया और स्पाउस ने साथ में जाना है तो उसको 7.5 लाख रुपया अपना दिखाना पड़ेगा, तो प्लस 6 मंथ की फ़ीस, तो अभी आप देख लीजिए 17-18 लाख रुपया दिखाना पड़ेगा स्टूडेंट को जब स्टूडेंट ने 6 मंथ की फ़ीस देकर फिनलैंड में जाना है अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट, अपनी स्पाउस और स्टूडेंट ने जाना है। तो अभी आता है बच्चों के ऊपर, अगर आपने अपने बच्चों को साथ में ले जाना है
तो अगर आपका एक बच्चा है तो उसके जो पहले बच्चे के 600 यूरो दिखाना पड़ेगा, जो कि अप्रोक्स 5.5 लाख रुपया बनता है। तो अगर आपके अनदर बच्चे भी हैं तो सेकंड बच्चे का आपका है 4800 यूरो और थर्ड बच्चे का है 3800 यूरो। मींस जितने आपके एडिशनल बच्चे हैं तो एक का 4.5 लाख रुपया, तो सेकंड का और थर्ड वाले का 3.5 लाख रुपया। इस तरीके से आपको अपने फंड्स 3 मंथ ओल्ड विद सोर्स ऑफ इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सोर्स ऑफ इनकम किस वे से दिखाने हैं, कौन कौन से वहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एक्सेप्टेबल हैं। फिनिश इंटर फिनिश जो इंटर फिनलैंड है वो क्राउन इमिग्रेशन बता सकता है, क्योंकि हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फिनलैंड के अंदर डालते हैं। FDOD का चलता है या नहीं चलता, लोन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, प्रॉपर्टी सेल करके फंड आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं, आपके फंड्स थ्रू शेयर मार्केट के थ्रू आपने जनरेट किए हुए हैं या नहीं किए हैं, आपके फंड्स थ्रू बिजनेस आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं, आपने कोई फ्रेंडली लोन लिया हुआ है, आपने कोई गोल्ड लोन लिया हुआ है, आपने जस्ट एंट्री किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई की हुई है, ये सारे की सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैंने फिर बता दिया वी आर वेरी टेक्निकल अबाउट फंड्स मैनेजमेंट, तो फंड्स मैनेजमेंट के ऊपर भी हमारी एक डेडिकेटेड वो है अपना प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहां जाकर हमारी फंड से रिलेटेड भी वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो मैं एडिशनली मैं इस वीडियो के अंदर अगेन मैं बता रहा हूं कि अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है फंड्स के ऊपर, जहाँ आपका एडमिशन आ चुका है, आप फर्दर अपनी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उसमें भी वी कैन असिस्ट, आप सिर्फ हमसे रेजिडेंसी परमिट की सर्विस लेना चाहते हैं उसमें भी वी कैन असिस्ट, फंड्स के ऊपर हमारा ओपिनियन लेना चाहते हैं उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी इंटर फिनलैंड ने कोई डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट की है उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू द एम्बेसी बायोमेट्रिक देने से पहले जब आपने एम्बेसी में जाना है, वहाँ पर भी जो डॉक्टर स्टूडेंट्स होते हैं उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इवन समटाइम्स दे आर प्रोवाइडेड द क्वेश्चन एरिया, तो क्वेश्चन एरिया के अंदर 15 से 20 क्वेश्चंस हैं वो बच्चे से लिखवा कर पूछे जाते हैं जहां पर उनको डाउट रहता है, वो क्वेश्चन एरिया के अंदर कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। आप ऑलरेडी फिनलैंड पहुंच चुके हैं, अपने डिपेंडेंट या स्पाउस के वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीजा अपनी फैमिली के अप्लाई करवाना चाहते हैं, जहां अपने जैन इनटेक में फिनलैंड में 2025 में अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वारी है रिलेटेड टू फिनलैंड, इमीडिएटली आप क्राउन इमिग्रेशन के साथ संपर्क करें। अगर आपका कोई भी दोस्त फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।